तो दोस्तों ये है सुजाता का पावरमेटिक प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये आता है 900 वाट मोटर के साथ में। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, अलग अलग मॉडल्स आते हैं, तो मैंने जो मंगाया है वो है विद चटनी जार। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कुछ मिलते हैं इसके मैनुअल्स और इसके अलग अलग वेरिएंट्स, जैसे कि ये हैं। ये मिल जाता है एक ब्रश जार साफ करने के लिए, एक पुशर, इसमें हमें मिलता है ये एक चटनी जार, एक जार में भी मिलता ही है। और एक जार में मिलता ही ये। इसकी भी क्वालिटी बहुत हैवी है, बहुत अच्छी है। जो जार साथ में आए हैं ये हैं उनके लिड्स। ये है इसके लिए, और जो ये दूसरे वाला लिड है ये है फॉर चटनी जार। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये। गाइस ये हमारा मेन मोटर और ये है जूसर यूनिट। ये साथ में आता है इसका जूसर ब्लेड। का लॉक है ये, दो तरफ इसके लॉक दिए हुए हैं, जिसको हटाने के बाद आप इसको हटा सकते हैं ऊपर लिड को, और इसके अंदर आप जार लगा सकते हैं। तो ये खुलता है यहाँ से, इसको हमें पुश करना पड़ता है और ये निकल जाता है, और इसको हम ईजिली हटा सकते हैं। बस ये इसका मेन मोटर 900 वाट का। ये ऑफ का है, ये लो, ये मीडियम और ये हाई, बिकॉज 900 वाट का मोटर है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी हैवी बैठेगा। तो जार लगा के देखते हैं, अभी चटनी जार लगा के देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे लॉक्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमें इस लॉक के अंदर फिट करना है। ये इसकी हाउसिंग है, जिसमें ये हमारा जो ब्लेड है जूसर ब्लेड वो अटैच होता है। उसके बाद आता है ये, इसको ऊपर से कवर करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल सकते हैं, और उसके बाद पुशर की हेल्प से हम उनको नीचे पुश कर सकते हैं। ये कंटेनर है जो ऐसे अटैच हो जाता है, तो जो उसका वेस्ट है वो इसमें जाके कलेक्ट हो जाता है और जूस इस तरफ से निकल जाता है।
गाइज, ये है कंप्लीट अनबॉक्सिंग ऑफ सुजाता पावरमैटिक प्लस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।